everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing very good. तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए रिव्यू करने वाली हूँ सेन बोटानिका का विटामिन सी एंड हाइलुरोनिक एसिड ब्राइटनिंग फेस मास्क. ये आपके स्किन को इवन टोन करने में हेल्प करता है, कॉम्प्लेक्शन को ब्राइटन करता है और आपको एक हेल्दी यूथफुल ग्लो भी देता है. तो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स जंप टू द एप्लीकेशन पार्ट और उसके बाद मैं आपके साथ अपना फाइनल रिव्यू शेयर करूंगी. सो प्रोडक्ट का जो आउटर पैकेजिंग है वो कुछ इस तरीके का है. इट्स अ वेरी सिंपल कार्डबोर्ड बॉक्स, लेकिन जो ग्राफिक्स हैं वो काफ़ी कलरफुल एंड मूड अपलिफ्टिंग है. आई पर्सनली लाइक हैप्पी पैकेजिंग एंड दिस इज़ वन ऑफ देम. और इसका जो इनर पैकेजिंग है वो एक ग्लास टब में है प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स. अगेन इट गिव्स यू दैट लग्जरी फील एंड आई रियली लाइक इट. इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है विटामिन सी, ई एंड हाइलुरोनिक एसिड. एंड वी ऑल नो विटामिन सी इज अ मैजिकल इंग्रेडिएंट फॉर योर स्किन. आपकी स्किन को ब्राइटन करता है, आपके यू नो स्किन में यूथ रिस्टोर करता है, आपके रिंकल्स को रिड्यूस करता है एंड आपके मार्क्स, ब्लेमिशेस, एवरीथिंग. इट हेल्प्स लाइटनिंग देम अप एंड गिव यू एन इवन टोन कॉम्प्लेक्शन. एंड नॉट टू मेंशन बिकॉज ऑफ द विटामिन सी, इसका जो सेंट है वो काफी सिट्रसी एंड अपलिफ्टिंग है. पर्सनली आई लव दैट काइंड ऑफ सेंट इन द प्रोडक्ट. एंड इसका जो टेक्सचर है वो काफी बाउंसी और मूजी है. इट्स नॉट अ रेगुलर क्ले मास्क सॉर्ट ऑफ अ टेक्सचर, थोड़ा सा बाउंस है इसके टेक्सचर में. एंड जैसे मैं हर मास्क के साथ करती हूँ, आई एम गोइंग टू अप्लाई अ इवन थिक लेयर ऑफ द मास्क ऑन माई एंटायर फेस एंड मेक श्योर के सारे इंचेस, सारे नुक्स एंड कॉर्नर्स कवर हो रहे हो. And now coming back to the ingredients, the other two main ingredients are vitamin E and hyaluronic acid, and both are amazing moisturizing agents for the skin. Matlab, they are known for their emollient properties. In fact, hyaluronic acid एक ऐसा ingredient है जो आपके skin में moisture lock करने में भी मदद करता है. बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आपकी skin काफ़ी dry रहती है normally, तो you might feel कि moisturizer लगाने के बाद भी you know there's some dryness या कुछ समय बाद dryness comes back. तो वो इस वजह से होता है क्योंकि हमारी स्किन की यू नो मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी वीक हो जाती है ओवर टाइम एज वी स्टार्ट एजिंग. हाइलुरोनिक एसिड एक ऐसा यू नो इंग्रीडियंट है जो इस कैपेसिटी को इंक्रीज करता है एंड ओवर टाइम आपकी स्किन की मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी अपने आप इंक्रीज होने लगती है एंड वो जो ड्राइनेस है वो रिड्यूस हो जाती है विद टाइम. बट एज आई ऑलवेज से, किसी भी प्रोडक्ट को काम करने के लिए समय लगता है, आपको उस पर गिव अप नहीं करना चाहिए. आप कंटिन्यूसली उसे यूज करिए, तभी आपको बेस्ट लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स मिल पाएंगे. तो इस प्रोडक्ट के लिए भी आई वुड से द सेम थिंग. ऑब्वियसली इनिशियली आप ब्राइटनेस देख सकते हैं अपने चेहरे पे और आपको ग्लो भी दिखेगा, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म, लॉन्ग लास्टिंग यू नो फायदे चाहिए तो आपको इसको रेगुलरली भी यूज करना पड़ेगा. दिस इज नॉट एग्जैक्टली अ ड्रग स्टोर मास्क, ये थोड़ा मिड रेंज में आता है अकॉर्डिंग टू मी. एंड बट आई थिंक इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट इफ यू वॉन्ट टू इंडल्ज इन टू अ लिटल बिट ऑफ यू नो that you know self pamper kind of a product. I think ये बिल्कुल वो है. But if you are over you know 30, I think this is sort of a necessary product, क्योंकि ये आपको बहुत ही अच्छे anti aging benefits भी दे रहा है. इसके ingredients काफ़ी promising है. तो I would say कि over 30 you should definitely you know invest in this one, and if you are below 30, I think this would be a luxury product for you. So yeah, and now I've removed the mask with the help of a wet cloth. You can wash it off directly as well, and you can see ke obviously ekdam se to clear nahi hogi skin, but it has given me a subtle glow. It has made my skin cleaner and fresher, so I really like it. तो बस इतना ही इस वीडियो के लिए. आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अगर आपको ये चेहरा और देखना है देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, डू गिव अ लाइक टू दिस वीडियो एज वेल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. और लेट्स चैट इन द कमेंट्स बिलो, लेट मी नो आपको नेक्स्ट वीडियो क्या देखना है. आई विल सी यू वेरी सून. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.